हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ नेटवर्किंग देखे थे। आज हम आपको ट्रांसमिशन मीडिया बताने जा रहे हैं। यह ट्रांसमिशन मीडिया क्या है या ट्रांसमिशन चैनल क्या है? नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन चैनल क्या है? वह रास्ता, वह मीडियम जिस मीडियम से डेटा हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रहा हो, वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल कहलाता है। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल दो टाइप का हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, आजकल का जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, वो दो तरीके का होता है। एक तार के मार्फत, दूसरा बिना तार के मार्फत। जो तार के मार्फत जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वह कहलाता है गाइडेड मीडिया। आप इसको कह सकते हैं देयर आर टू कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन चैनल। वन इज द गाइडेड मीडिया, एंड अनदर इज द अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया आप कह सकते हैं थ्रू वायर, वायर या केबल, जबकि अनगाइडेड मीडिया विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी वायर या केबल जो है हमारा, जो कि एटमोस्फियर में बाहरी वातावरण में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है। जैसे हम देखते हैं हमारा मोबाइल पे जो डाटा आता है, तो मोबाइल पे कहीं कोई तार लगा होता है, नहीं लगा होता है, बाहरी एटमोस्फियर से डेटा हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जैसे टेलीफोन, तो टेलीफोन में क्या होता है? एक फोन तार लगा हुआ होता है, तो वो क्या हुआ हमारा? गाइडेड मीडिया। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए, ये जो हमारा गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया है, तो सबसे पहले वो गाइडेड मीडिया के पास आते हैं। गाइडेड मीडिया जो है वो तीन तरीके का गाइडेड मीडिया होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाइडेड मीडिया तार के मार्फत जो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो गाइडेड मीडिया कहलाएगा, बिना तार का जो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो अनगाइडेड मीडिया कहलाएगा। क्लियर? अब याद रखिए गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया तीन तरीके का होता है। पहला ट्विस्टेड पेयर वायर केबल, दूसरा क्वाएक्सियल केबल, और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। सारे कंटेंट आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप उस नोट्स को वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्विस्टेड पेयर वायर केबल। ट्विस्टेड पेयर वायर केबल क्या है आपका? ट्विस्टेड पेयर वायर केबल क्या कहता है? एकदम सबसे सिंपलेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मीडिया इज द ट्विस्टेड पेयर वायर केबल। हम लोग देखते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर केबल में कि दो तार आपस में कुछ इस तरीके से एक दूसरे पर हमेशा हुआ रहता है, वही कहलाता है हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर केबल। क्लियर है? अब हमारे कंप्यूटर में कैसा ट्विस्टेड पेयर वायर केबल यूज होता है? तो यहां पर जो हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर केबल यूज होता है वो होता है यूटीपी केबल। क्या बोलते हैं उसको? यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये अब नोट्स में कंप्लीट दिया हुआ है। होता कैसा है वो देखिए, अभी हम दिखाते हैं आप लोग को, ला के रखे हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा तार, ये देख रहे हैं आप, ये जो वायर है ये हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर केबल तार है। इसके दोनों साइड में RJ45 कनेक्टर लगता है। जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर कहा जाता है। दोनों साइड हुआ इसका, दोनों एंड एक सिस्टम में लगा, दूसरा दूसरे सिस्टम में लगा दिया, दोनों सिस्टम में डेटा आपस में ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर में 8 तार होता है। कैसा होता है वो देखिए, यह इसका क्लिपर है, इसको काट के आपको दिखाते हैं। इसके अंदर में टोटली का टोटली 8 वायर होता है, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। नाम ये इसका अनसील्ड, ये सील्ड नहीं रहता है। इसके ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ रहता है,
और देखिएगा आपको आपको नजर आएगा जो अभी हमने बताया है ट्विस्टेड बेयर वायर केबल, यहां देखिए दिख रहा है आपको, ये जो है ये तार जो है ट्विस्टेड बेयर वायर को देख रहे हैं, सारा तार एक दूसरे के ऊपर देखते हैं, व्हाइट और ग्रीन, ब्लू ग्रीन, केसरिया ग्रीन, बैगनी ग्रीन, सब एक दूसरे पर अंगीठा हुआ रहता है। अब यहां पे इस तार को कुछ ऐसे खोलते हैं हम लोग, दो तार आपस में अंगीठा हुआ है और इसको हम लोग ऐसे अलग अलग अंगीठ के एक तार को दूसरे तार से हम हटाते हैं, यही हमारा ट्विस्टेड बेयर वायर केबल, ये यूटीपी केबल। अभी यूटीपी केबल जो आ रहा है उसमें भी कई कैटेगरी का केबल आता है, जब आप जाइएगा दुकान में परचेज करें तो अभी जो है यूटीपी कैट 6 आ रहा है, ये कैट ये क्या है कैट 5 कैट 6 आपको मिलेगा, कैट 6 थोड़ा महंगा होता है शायद, ये केबल हमारा देखिए कैट 6 यहां लिखा हुआ है, उसको गौर से देख सकते हैं कैट 6 लिखा हुआ है इस पे, तो ये कैट 6 केबल है, ये कैट 6 केबल जो है वह थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, कैट 5 थोड़ा लो कैटेगरी का होता है, अभी मार्केट में कैट 6 और कैट 5 दोनों आ रहा है तो हम लोग कैट 6 पे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, कैट 5 हम लोग कम यूज किया करते हैं, ये हमारा ट्विस्टेड बेयर केबल। अब देखते हैं टेलीफोन लाइन जो होता है, टेलीफोन का जो पतला सा वायर गया हुआ होता है वो भी ट्विस्टेड बेयर केबल ही होता है, क्लियर है। अब आगे हम लोग चले डायरेक्ट मीडिया में, दूसरा मीडिया हमारा क्वैक्सियल केबल, तो कौन सा केबल होता है क्वैक्सियल केबल, आप लोग देखे होइएगा, इजीली देखे होइएगा, सीधा समझिए घर में जो डिस्क का तार होता है वो क्वैक्सियल केबल होता है, डिस्क का तार सारे लोग देखे होइएगा अपने घर में, डिस्क का जो तार होता है वो क्वैक्सियल केबल होता है, क्वैक्सियल केबल में देखिए कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, अंदर में तार होता है, ऊपर उसके ऊपर प्लास्टिक का एक शील्ड प्लास्टिक का होता है, उसके ऊपर मेस जालवत मेस बना हुआ रहता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शील्ड होता है, ये हमारा क्वैक्सियल केबल होता है और इसका कंप्लीट फिगर जो है आपके नोट्स में दिया हुआ है, इसका सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हमने आपको बताया गैरेज मीडिया में, ट्विस्टेड बेयर केबल उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्वैक्सियल केबल इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारा आप लोग याद रखेंगे, कितना दूर इसका डेटा ट्रांसमिशन होता है, कितने दूर के हम लोग इसको यूज करते हैं, ये भी जो है ध्यान रखना है कि क्वैक्सियल केबल जो है ये दो टाइप का आता है, एक 50 ओम और एक 75 ओम, एक 75 ओम और एक 50 ओम, तो 75 ओम और 50 ओम जो हम लोग अपने कंप्यूटर में जो डेटा ट्रांसमिशन करते हैं वो 75 ओम से हम लोग डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, जबकि 50 ओम आप जो डिश वाला तार वगैरह देखते हैं वो सब 50 ओम का होता है, क्वैक्सियल केबल है हायर बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ काफी हाई होता है, बैंडविड्थ ये तार होता है एक सिंगल तार, इसका बैंडविड्थ काफी हाई होता है, जैसे देखते हैं हम लोग जिसके कारण ये एक्सेलेंट नॉइज इम्यूनिटी बाहरी वातावरण से जो इसका डेटा जल्दी करप्ट नहीं होता है, और आगे 58 केबल 10^2 ये थीम क्वैक्सियल केबल 50 ओम इज वाइड स्प्रेड यूज फॉर लैंड कनेक्शन, और जे 11 10^5 केबल क्वैक्सियल केबल दैट मस्ट थिकर एंड मोर रफ साउंडिंग, ये जो है हमारा ये दो तरीके का डेटा हमारा ट्रांसमिशन होता है, यहां पे कोई कंफ्यूजन, तो ये क्वैक्सियल केबल जो है हमारा पहला क्या था हमारा ट्विस्टेड बेयर केबल, दूसरा क्या हुआ क्वैक्सियल केबल, अब हम वो आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर, गाइडेड मीडिया में जो तीसरा मीडिया है हमारा वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसा होता है, आजकल ज्यादा से ज्यादा डाटा ऑप्टिकल फाइबर केबल के मार्फत ट्रांसमिशन होता है, कहता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा जो ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएटिंग लाइट, इनर बोर्ड जो होता है उसमें वहां लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और कहते हैं हम लोग कि लाइट का स्पीड सबसे फास्ट है, लाइट का स्पीड क्या है सबसे
फास्ट है, यहां पर लाइट के सोर्स में डेटा का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, वो हमारा क्या कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और इट इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे फास्ट होता है, सब लोगों को पता है, जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, और इसीलिए डेटा को लाइट के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। कहा जाता है कि द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया। इसका जो इनर कोर होता है वो ग्लास का इनर कोर होता है, कभी भी शीशा पर आप देखते हैं लाइट मारते हैं शीशा पर आप, तो वो क्या रिफ्लेक्ट होकर दूसरे जगह जाता है, कोई पॉजिटिव द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिफ्लेक्टिंग लाइट के रूप में यहाँ पे डेटा हमारा ट्रांसमिशन करता है, वो हमारा होता है कौन ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे आप जब देखिएगा आपको नोट्स में सारा का सारा चीज ऑप्टिकल फाइबर केबल का ऑथेंटिकेशन से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड नोड कैपेसिटी मोड ऑफ ट्रांसमिशन सारा का सारा चीज वहां आपको दिया हुआ है, आपको याद तो करना पड़ेगा इसको। अगला हम लोग आते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया में जो डाटा हमारा ट्रांसमिट होता है वह किस रूप से? बिना तार का। तो बिना तार का क्या? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जितना भी अनगाइडेड मीडिया है इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है, रेडियो वेव चैनल, सैटेलाइट लिंक, वीसैट, इंफ्रारेड, ये सब जो है हमारा वो अनगाइडेड मीडिया में आता है। सबसे पहला है रेडियो वेव, दूसरा आप कह सकते हैं सैटेलाइट लिंक, आपके घर में जिसका छतरी लगा हुआ होता है वो क्या होता है? वही वीसैट होता है। और इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड देखते हैं आजकल आप इंफ्रारेड के मार्फत डेटा ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड पहले मोबाइल में इंफ्रारेड रहता था, अब ब्लूटूथ का जमाना आ गया तो इंफ्रारेड है। आप देखते जितने सारे रिमोट होते हैं, रिमोट में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो इंफ्रारेड के रूप से होता है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग VHF और UHF, ये रेडियो वेव सिग्नल होता है आपका जो बाहरी एटमोस्फेयर के मार्फत आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। रेडियो वेव सिग्नल में ही आपका टीवी सिग्नल और रेडियो वेव सिग्नल, अगला सैटेलाइट लिंक होता है, सैटेलाइट लिंक के मार्फत, सैटेलाइट के मार्फत जो डेटा, जो सैटेलाइट से जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सैटेलाइट लिंक होता है हमारा। वीसैट हमने देखा है अपने छत पर कि कुछ ऐसा एक छोटा सा डिश टाइप एंटीना कुछ ऐसा लगा हुआ होता है हमारे छत पे और यहाँ पे ऐसा रहता है, जिसको रिसीवर लगा हुआ होता है, LMDS का लगा हुआ होता है वो वीसैट होता है। और इंफ्रारेड जो है हमने देखे थे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, सबका अपना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान करना पड़ेगा। रेडियो वेव हाई फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 kHz एंड 1 GHz, 10 kHz से 1 GHz के बीच का ट्रांसमिशन होता है वो हमारा रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहलाता है, जिसमें शॉर्ट वेव VHF और UHF होता है। पर देखते थे हम लोग, अगर घर में आप बच्चे में रेडियो देखे होइएगा तो रेडियो में देखिएगा कि पीछे में एक VHF UHF चेंज करने का एक बटन बना हुआ होता था। तो यहाँ पे VHF एंड UHF, VHF इसे याद रखिएगा, मेरे को जरूर आपको ऑलरेडी में पूछ रहे, VHF जो है फुल फॉर्म वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF जो है आपका वह है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो VHF जो है टेलीविजन एंड FM रेडियो में स्पेशली यूज किया जाता है, जबकि UHF जो है आपका वो रेडियो एंड टेलीविजन में यूज किया जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा आप रेडियो वेव में। उसके बाद सैटेलाइट ट्रांसमिशन हम लोग देखते ही है कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डायरेक्शनल प्रोबेबिलिक एंटीना, जो एंटीना हमारा जैसे विषय का लगा हुआ है आप देखते हैं, ये हमारा सैटेलाइट है ऊपर और सबके छत पे एक छतरी लगा हुआ है वीसैट, और इस वीसैट के मार्फत यहाँ से डेटा आ रहा है, ये सैटेलाइट लिंक से डाटा ट्रांसमिशन हमारा होता है, ये सैटेलाइट लिंक से सबका दिया हुआ है और इसका अपने डायरेक्शनल होता है, उस डायरेक्शन पे ही डेटा वहां ट्रांसमिशन होता है। ये आपका इतने तरीके का आपका डेटा ट्रांसमिशन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल शायद ही कोई साल ऐसा होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल। तो
तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।